हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो DFCCIL 2023 के रिक्रूटमेंट में जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी उसका आज ये 11वां एपिसोड है। अब तक हम लोग टोटल इसके 10 पार्ट ऑलरेडी डन कर चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने इसका इंट्रोडक्शन हर वीडियो में कर रखा है। तो यहाँ पर हम लोग सीधे मूव करेंगे क्वेश्चंस की तरफ, जो होगा आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस? सो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं, ई श्रीधरन, रविंद्र कुमार जैन, सुधांशु मणि या फिर अनिल कुमार लोहती। सो काफ़ी बार मैंने वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में डिस्कस किया है, बट इस बार पूछा है फादर ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस, मतलब जनक कौन है वंदे भारत एक्सप्रेस के। तो ये हैं आपके सुधांशु मणि। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका, करेक्ट है, सुधांशु मणि। कौन है ये सुधांशु मणि? तो आज जो भी वंदे भारत एक्सप्रेस आप देख रहे हो रन कर रही है वो किसकी देन है? सुधांशु मणि का। एक्चुअली अगर हम बात करें तो 1981 में जो सुधांशु मणि थे इंडियन रेलवे में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर ज्वाइन करते हैं, और लगभग 35 साल सेवा देने के बाद इनको 2016 में ICF, ठीक है, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो है, जो कि चेन्नई में है, इसका जनरल मैनेजर बनाया जाता है, ठीक है, GM बनाया जाता है। तब इनको पता चलता है कि इंडियन रेलवे में इंडियन रेलवे के मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, तब इन्होंने अपने जो भी इनके जूनियर इंजीनियर्स थे या फिर इंजीनियर्स थे उनको बोला कि मैं एक मॉडर्नाइज ट्रेन बनाना चाहता हूँ, क्या आप मेरा साथ दोगे? तो उन्होंने जब हामी भरी तब इन्होंने इस ट्रेन को बनाना शुरू किया। हालांकि इनको पता था कि इस ट्रेन को बनाने में लगभग 40 से 42 महीने का समय लग जाएगा, क्योंकि इनके पास मात्र 2 ही साल का समय था। 2018 में इनका रिटायरमेंट होना था, ठीक है, ये रिटायर होने थे, तो भी इन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने इंजीनियर्स के साथ मात्र 18 महीने में इस ट्रेन का निर्माण कर दिया, ठीक है। इस वजह से आप जानते होंगे कि स्टार्टिंग में जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसको T18 नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो आज जो भी वंदे भारत एक्सप्रेस आप देख रहे हो ये किसकी देन है? सबसे ज़्यादा योगदान इसमें किसका है? तो वो है सुधांशु मणि और इनके साथ कार्य कर रहे इंजीनियर्स का। हालाँकि जो T18 नाम है इसको 27 जनवरी 2019 को भारतीय रेलवे द्वारा इसका नाम बदल करके वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो 27 जनवरी 2019 को इसका नाम चेंज करके ट्रेन 18 से वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में वर्तमान में चालू सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? विच इज़ द ओल्डेस्ट करेंटली ऑपरेशनल रेलवे स्टेशन इन इंडिया? सो यहाँ पे पूछ रहा है ओल्डेस्ट, तो ओल्डेस्ट बट करेंटली ऑपरेशनल भी होना चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। अदरवाइज तो सबसे जो पुराना रेलवे स्टेशन है अगर आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है, CSMT, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसको विक्टोरिया टर्मिनस नाम से जानते थे। क्यों ये सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है? क्योंकि यही वो रेलवे स्टेशन है जहाँ से आपकी पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी, कहाँ से, जो बोरी बंदर आपका रेलवे स्टेशन था, ठीक है, जो बोरी बंदर जो आपका रेलवे स्टेशन था, बोरी बंदर रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें बोरी बंदर जो रेलवे स्टेशन है ये एक्चुअली अभी इसको करेंटली ऑपरेशनल क्यों नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो रेलवे स्टेशन था 1878 में ये इसको गिरा करके फिर से डेवलप किया गया, और इसको बनाने में लगभग आप कह सकते हो 1887 में, ठीक है, तो वहीं आप कह सकते हो लगभग 9 साल या 10 साल का समय लगा, और उसके बाद ये बनकर के तैयार होता है। और इसी टाइम पे जो महारानी विक्टोरिया थी, ठीक है, ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, उनके शासनकाल का 50 साल पूरा होता है, तो इन्हीं के नाम पर इस रेलवे स्टेशन का नाम विक्टोरिया टर्मिनस रख दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1996 में, ठीक है, 1996 में इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया जाता है। ये भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि शिवाजी थे, महान राजा थे, तो यहाँ पे महान और जोड़ना था, ठीक है, मतलब महाराज और जोड़ना था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2017 में, ठीक है, 2017 में ये जो CST नाम था इसको बदल करके CSMT कर दिया जाता है, मतलब महाराज और जोड़ दिया जाता है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो जाता है। तो 2017 में इसका नाम फिर से बदल दिया जाता है। तो अगर हम बात करें तो जो बोरी बंदर रेलवे स्टेशन था ये सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, बट करेंटली ये ऑपरेशन में नहीं है क्योंकि इसको गिरा दिया गया था, फिर से डेवलप किया गया था, ठीक है, 1878 में। तो अगर पूछे करेंटली ऑपरेशनल हो वो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन है जो अभी तक चला रहा है, तो ये आपका है रोयापुरम रेलवे स्टेशन, ठीक है। इसका जो निर्माण हुआ था वो 1856 में ही हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था मद्रास में, ठीक है, ये आपका कहाँ पर हुआ था? मद्रास, ठीक है। तो ये आपका जो रोयापुरम रेलवे स्टेशन है ये सबसे ओल्डेस्ट और करेंटली ऑपरेशनल रेलवे स्टेशन है, जैसा का तैसा अभी भी ये वैसे का वैसे ही ऑपरेशन में है, तो ये 1856 में बना था, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, रोयापुरम रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस का वास्तुकार था? तो हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द फेमस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस फॉर्मली विक्टोरिया टर्मिनस? सो यहाँ पे इनका वास्तुकार पूछा जा रहा है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के वास्तुकार कौन थे जो 1887 में बनाया जाता है। तो
हर्बर्ट बेकर्स या फिर एफ डब्ल्यू स्टीवेंस या फिर स्मिथ या फिर फर्नांडिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका एफ डब्ल्यू स्टीवेंस, ठीक है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। अगर हम बात करें तो टर्मिनस को एक ब्रिटिश मूल के आर्किटेक्ट इंजीनियर फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवेंस ने एक्सल हैंग द्वारा प्रारंभिक डिजाइन से एक शानदार इतावली गोथिक शैली में डिजाइन किया था, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1878 में पुराने बोरी बंदर रेलवे स्टेशन के दक्षिण में एक स्थान पर शुरू हुआ था और 1887 में महारानी विक्टोरिया के शासन के 50 साल पूरे होने पर इसका काम पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दिल्ली में पहली मेट्रो ट्रेन कब शुरू की गई थी, व्हेन वाज फर्स्ट मेट्रो ट्रेन स्टार्टेड इन दिल्ली। सो यहाँ पे 2002, 2004 या 2006, तो जो पहली मेट्रो ट्रेन स्टार्ट करी गई थी वो आपकी करी गई थी 2002 में। हालांकि जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1956 में ही हो गई थी, ठीक है, 1956 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। बट इसको खोला कब गया था, तो 2002 में। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे। तो बात करें अगर हम, तो द फर्स्ट लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो द रेड लाइन, ठीक है, कौन सी वो लाइन थी, रेड लाइन। सो दिल्ली मेट्रो की जो पहली लाइन थी रेड लाइन, इसका उद्घाटन 24 दिसंबर 2002 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, राइट। सो कब इसकी स्टार्टिंग होती है, अगर डेट याद रख सको तो और बेटर है, तो 24 दिसंबर 2002, ठीक है, 2002। तो 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत होती है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस जीवन रेखा कब शुरू हुई, व्हेन डिड लाइफ लाइन एक्सप्रेस या फिर जीवन रेखा स्टार्टेड। सो 1990, 1991, 1995 या फिर 1999। सो जो आपकी लाइफ लाइन एक्सप्रेस है इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1991 में। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पे, द लाइफ लाइन एक्सप्रेस और जीवन रेखा एक्सप्रेस इज अ हॉस्पिटल ट्रेन दैट रन्स इन इंडिया दैट स्टार्टेड रनिंग ऑन 16th July 1991। इट वॉज अ कोलेबरेशन बिटवीन द इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन IIF एंड इंडियन रेलवे एंड द हेल्थ मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, लाइफ लाइन जो एक्सप्रेस है जिसको जीवन रेखा भी बोलते हैं, जीवन रेखा एक्सप्रेस भारत में चलने वाली एक अस्पताल ट्रेन है जो 16 जुलाई 1991 को चलनी शुरू हुई थी। यह इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन IIF, भारतीय रेलवे मतलब इंडियन रेलवे और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच का एक सहयोग था। तो लाइफ लाइन जो एक्सप्रेस है, जीवन रेखा एक्सप्रेस है, कब स्टार्ट हुई थी, तो 16 जुलाई 1991 को, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, डेक्कन क्वीन एक लोकप्रिय ट्रेन है जो किसके बीच चलती है। सो डेक्कन क्वीन इज़ अ पॉपुलर ट्रेन विच रन्स बिटवीन। सो डेक्कन क्वीन का शायद आपने नाम सुना होगा, काफ़ी पुरानी ट्रेन है, 93 ईयर्स हो चुके इसको सेवा देते हुए, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो जो ये डेक्कन क्वीन है कब स्टार्ट हुई थी चलना, सो 1 जून 1930 में अपनी सेवा इसने देना स्टार्ट करा। कहाँ से कहाँ, किसके बीच चलती है, तो मुंबई से पुणे के बीच। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। तो अगर हम बात करें, डेक्कन क्वीन इज अ सर्विस वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 जून 1930 एज अ वीकेंड ट्रेन ड्यूरिंग द डेज ऑफ द ब्रिटिश राज टू फेरी रिच पैट्रॉन्स फैंस फ्रॉम बॉम्बे नाउ मुंबई टू पूना, जिसको अब पुणे बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ, मुंबई से पुणे तक ये चलती है। बाकी आप देख सकते हो कुछ ऐसा आपको अंदर देखने को मिलेगा, इसके जो इसमें सफ़र किया होगा वही जानता होगा इसके बारे में। डाइनिंग टेबल तक आपको दिख रहा है, ठीक है, इस पर आप नाश्ता कर सकते हो, जो भी खाना पीना अपना खा सकते हो। तो जो इसमें गया होगा वही जानता होगा, हम तो केवल फोटो से ही देखकर तसल्ली कर सकते हैं। तो ये आपकी डेक्कन क्वीन है जिसको अब कुछ इस तरीके से बना दिया गया है, 1 जून 1930 से ही ये अपनी सेवा दे रही है और मुंबई से पुणे तक चलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छता के मानक को सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान किस रेल मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। सो स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान टू इंश्योर द स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस वॉज लॉन्च बाई विच रेलवे मिनिस्टर। सो यहाँ पे ऑप्शन जो आपके सामने हैं, पीयूष गोयल, ममता बनर्जी, सुरेश प्रभु या फिर लालू प्रसाद यादव। तो किस रेलवे मंत्री ने शुरू किया था स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान, सो ये शुरू किया था सुरेश प्रभु ने, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। सुरेश प्रभु जो 2014 से लेकर के 2017 तक रेल मंत्री रहे थे, इन्हीं के टाइम पे जो फिस्कल ईयर 2015 से 16 था उसी बीच इन्होंने क्या किया था, अपने रेल बजट में इसकी पेशकश करी थी स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान की, ठीक है। तो ये आपका किसके समय हुआ था, सुरेश प्रभु के टाइम पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कल्याण संगठन जो भारतीय रेलवे के कल्याण के लिए काम करता है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। सो इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडियन रेलवेज इट्स हेडक्वार्टर इज इन। सो यहाँ पे आपका एक इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो भारतीय रेलवे के वेलफेयर या फिर कल्याण के लिए काम करता है, उसका हमको हेडक्वार्टर सिंपली बताना है वो कहाँ पे है, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता या फिर पुणे। तो ये आपका है न्यू दिल्ली में, ठीक है। सो सेकेंड ऑप्शन मतलब बी यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें यहाँ पे, सो भारतीय रेलवे कल्याण संगठन
IRWO, ठीक है, IRWO जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कहाँ कब होती है इतना अगर आप याद रख पाओ तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। तो 25 सितंबर, ठीक है, 25 सितंबर 1989 को इसकी स्थापना होती है। और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, तो न्यू दिल्ली में है। और भी इसके जोनल कौन कौन से हैं, बाकी इसके जो जोनल्स हैं कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई और मुंबई है, राइट। तो बस इतनी चीज़ें आप एक बार रीडिंग कर लीजिए, बाकी वहाँ पे एग्जाम में हो सकता है स्ट्राइक करे तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेल बजट का प्रथम लाइव प्रसारण कब हुआ था, व्हेन डिड द फर्स्ट लाइव टेलीकास्ट ऑफ रेलवे बजट टुक प्लेस। सो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें 1993 तक जब रेल बजट पेश किया जाता था तो उसका लाइव प्रसारण नहीं होता था, लेकिन 1994, ठीक है, 1994 में पहली बार रेल बजट का लाइव प्रसारण हुआ था। इस टाइम पे जो अपने रेल मंत्री थे वो कौन थे, तो ये थे आपके CK जाफर, ठीक है, CK जाफर शरीफ। तो उस टाइम पे जो रेलवे मिनिस्टर थे वो कौन थे, CK जाफर शरीफ, 28वें रेल मंत्री थे ये। इन्हीं के समय पे 1994 में पहला लाइव प्रसारण हुआ था रेल बजट का, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, जयपुर का कौन सा रेलवे स्टेशन 2018 में पहला पूर्णतः महिला संचारित गैर उपनगरीय स्टेशन बन गया। विच रेलवे स्टेशन इन जयपुर बिकम फर्स्ट फुल्ली वुमेन ऑपरेटेड नॉन सब अर्बन स्टेशन इन 2018। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, दो दो क्वेश्चन ऐसे ही मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो आपको क्या ध्यान देना है, ये नॉन सब अर्बन रेलवे स्टेशन की बात करी जा रही है, अदरवाइज इसको लिखने की ज़रूरत ही क्या थी। सो नॉन सब अर्बन रेलवे स्टेशन की बात चल रही है, कौन सा ऐसा नॉन सब अर्बन रेलवे स्टेशन है जो पूर्णतः महिला द्वारा संचालित है। तो आपका यहाँ पे दुर्गापुर रेलवे स्टेशन, जयपुर, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, या फिर आपका कनकपुर रेलवे स्टेशन, या फिर आपका बैंस गोदाम रेलवे स्टेशन। तो कौन सा रेलवे स्टेशन है, ये आपका जयपुर गांधीनगर रेलवे स्टेशन। वैसे भी मैंने यहाँ पे जयपुर जब लिखी दिया है तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा, बट ये जयपुर नहीं लिखना चाहिए था। कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जो पहला पूर्णतः महिला द्वारा संचालित गैर उपनगरीय, आपको ध्यान देना, मतलब नॉन सब अर्बन रेलवे स्टेशन होना चाहिए, और वो भी 2018 में। तो ये आपका है जयपुर गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जो पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा संचालित है, ठीक है। सो गांधीनगर रेलवे स्टेशन इन जयपुर राजस्थान बिकम इंडियाज फर्स्ट नॉन सब अर्बन स्टेशन फुली ऑपरेटेड 24/7 बाई वेमेन स्टाफ विच इंक्लूड्स स्टेशन ऑपरेशंस एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, राइट। तो ये आपका रहा जयपुर गांधीनगर रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्रीय रेलवे स्टेशन को 2018 में भारत के पहले महिला स्टेशन के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। तो देखिए अगेन वही क्वेश्चन वैसा ही, इसलिए मैं कह रहा था कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछे केंद्रीय रेलवे स्टेशन तो आपको अलग बताना है, अगर आपसे पूछेगा नॉन सब अर्बन रेलवे स्टेशन तो आपको अलग बताना है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा केंद्रीय रेलवे स्टेशन है जो 2018 में भारत के पहले महिला स्टेशन के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। सो विच सेंट्रल रेलवे स्टेशन एंटर्ड द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इन 2018 एज फर्स्ट ऑल वीमेन स्टेशन इन इंडिया। सो बादलपुर स्टेशन, माटुंगा स्टेशन, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, या फिर बांद्रा स्टेशन। सो जो करेक्ट आंसर है आपका महाराष्ट्र का माटुंगा स्टेशन। सो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, माटुंगा स्टेशन। इसको अगर हम बात करें तो 2018 में भारत के पहले महिला स्टेशन के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया, ठीक है। सो मुंबई का माटुंगा रेलवे स्टेशन देश का पहला रेलवे स्टेशन है जो सिर्फ महिलाओं द्वारा चलाया जाता है। इसकी इस खासियत के कारण स्टेशन का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह स्टेशन साल 2017 के जुलाई माह से केवल महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। सो अभी जो आपने देखा था इससे पहले जो नॉन सबर्बन था वो 2018 से था, ठीक है, लेकिन ये आपका 2017 से। वैसे भी अगर केवल महिलाओं से बात किया जाए रेलवे स्टेशन तो आपको माटुंगा रेलवे स्टेशन बताना है, ठीक है, जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन नहीं। हाँ, अगर आपसे पूछे नॉन सबर्बन रेलवे स्टेशन तब आपको जाकर के बताना है आपका जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, किस रेलवे स्टेशन ने दुनिया में सबसे बड़े रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम होने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह हासिल की है। सो अगर हम बात करें, पूछ रहा है कि विच रेलवे स्टेशन हैज सिक्योर्ड अ प्लेस इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बींग द लार्जेस्ट रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे कौन सा रेलवे स्टेशन है, न्यू दिल्ली, पटना स्टेशन, या फिर भुवनेश्वर स्टेशन, या फिर रांची स्टेशन। सो किस रेलवे ने दुनिया के, पूछ रहा है, सबसे बड़े रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम का, ठीक है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, जिसने बड़े रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई है,
न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। सो यहाँ पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ने दुनिया में सबसे बड़े रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम होने के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान हासिल किया। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, रोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2007 को भारत में कौन सी एक्सप्रेस शुरू की गई? विच एक्सप्रेस वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया ऑन वर्ल्ड एड्स डे दिसंबर 2007 टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डिजीज। सो यहाँ पे 1 दिसंबर 2007 को कौन सी ऐसी ट्रेन चलाई गई थी विश्व एड्स दिवस पे? ठीक है, तो समझौता एक्सप्रेस, रेड रिबन एक्सप्रेस, महाराजा एक्सप्रेस या फिर थार एक्सप्रेस। सो ये आपकी कौन सी एक्सप्रेस हो गई? रेड रिबन एक्सप्रेस। सो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है, रेड रिबन एक्सप्रेस। राइट, तो रेड रिबन एक्सप्रेस को भारत में विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2007 को लॉन्च किया गया। रेड रिबन एक्सप्रेस का विचार 2004 में राजीव गांधी फाउंडेशन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा विकसित किया गया था। तो क्या आपको याद रखना है? एक तो ये 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर 2007 को इस ट्रेन को लॉन्च किया जाता है विश्व एड्स दिवस पे, जिस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। राइट, तो कौन सी एक्सप्रेस थी ये? रेड रिबन एक्सप्रेस। ठीक है, कौन सी एक्सप्रेस? सो ये आपका थी रेड रिबन एक्सप्रेस। ठीक है, रेड रिबन एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पहली डीजल ट्रेन कब बनाई गई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट डीजल ट्रेन मेड? ठीक है, डीजल लोकोमोटिव्स की बात हो रही है कि कब बनाई गई थी पहली डीजल ट्रेन। सो 1906, 1912, 1916 या 1920। सो ये आपकी बनाई गई थी 1912 में। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है, 1912 में पहली डीजल ट्रेन बनाई गई थी। कब? 1912 में। सो दुनिया का पहला डीजल चालित लोकोमोटिव 1912 की गर्मियों में स्विट्जरलैंड में विंटरथुर रोमन शोर्न रेल मार्ग पर चलाया गया था, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रहा। 1913 में आगे के परीक्षण के दौरान कई समस्याएं पाई गई। हालांकि मतलब यहाँ पे अगर केवल बात करेगा कब बनाया गया, तो 1912 में पहला डीजल रेल आप कह सकते हो या लोकोमोटिव कह सकते हो 1912 में बनाया गया था, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये ठीक से सफल नहीं रहा था। राइट, तो 1912 बस सिंपली आपको क्या रखना है? याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड? तो यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में पूछा था कि पहले सीईओ कौन है। ठीक है, वहाँ पे मैंने सीईओ पूछा था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो आपके बने थे विनोद कुमार यादव। ठीक है, ये आपके पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, लेकिन यहाँ पे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो जस्ट जो आपका 1951 में जब आपका इंडियन रेलवे का नेशनलाइजेशन हुआ था, उस टाइम पे पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने थे, तो वो कौन थे? एफसी बधवार। ठीक है, एफसी बधवार यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट है, इनका पूरा नाम क्या था? फतेह चंद। ठीक है, फतेह चंद बधवार, तो ये इनका पूरा नाम था। बाकी जो पीसी मुखर्जी थे, ये तीसरे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे, और सुनीत शर्मा जो हैं वो आपके दूसरे सीईओ थे। ठीक है, जो रेलवे बोर्ड के दूसरे सीईओ कौन थे? सुनीत शर्मा। और अभी इस टाइम पे कौन है? तो वो कौन है? अनिल कुमार लोहाती, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अनिल कुमार इस टाइम पे लोहाती, ये क्या है आपके इस टाइम पे इंडियन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम बंगाल में पहली रेलवे लाइन किसके बीच शुरू हुई थी? सो बिटवीन हुम वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्टेड इन वेस्ट बंगाल? सो जैसा कि आपको 2021 में आपने देखा होगा, पूछा था कि इलाहाबाद और कानपुर रेलवे लाइन को शायद ऐसा कुछ करके कि कब जोड़ा गया, कब चालू हुआ रेलवे लाइन, तो ऐसे ही कुछ भी पूछ सकता है। वैसे यहाँ पे पश्चिम बंगाल में बात कर रहा है, पहली रेलवे लाइन किसके बीच शुरू हुई थी? तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिमी में, जैसा कि आपका 1853 में पहली पैसेंजर ट्रेन चलती है आपकी, ठीक है, बोरी बंदर से ठाणे, लेकिन पश्चिम में भी जो पहली रेलवे लाइन खोली गई थी 1854 में जस्ट खोल दी जाती है, तो ये कहाँ से कहाँ तक खोली जाती है? हावड़ा टू हुगली। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है, हावड़ा टू हुगली। कब खोला गया था? तो 1854 में, 15 अगस्त 1854। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, 15 अगस्त 1854 में हावड़ा टू हुगली पश्चिम बंगाल में पहली रेलवे लाइन शुरू होती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रेलवे की पहली रेलवे सुरंग का नाम बताइए, नेम द फर्स्ट रेलवे टनल ऑफ इंडियन रेलवेज। सो पहली रेलवे सुरंग का नाम बताना है, ना कि सबसे लंबे। सो पहली जो रेलवे सुरंग थी वो आपकी कौन सी थी? पारसिक रेलवे सुरंग। सो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है, पहली जो रेलवे सुरंग थी पारसिक रेलवे सुरंग, महज 1.3 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है। बाकी अगर हम बात करें तो जो सबसे लंबा रेलवे टनल इस टाइम पे कौन है, तो अभी नया आप लोग अपडेट इसको करिएगा, T49। ठीक है, T49 सबसे लंबा रेलवे सुरंग अब बन चुका है। ये आपका जम्मू कश्मीर में बनिहाल कटरा रेलवे मार्ग लाइन पर है, जिसकी जो टोटल रूट लेंथ है, टोटल रूट लेंथ वो कितना है? 12.758 किलोमीटर। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे, तो
तो जो इससे पहले कौन था, तो पीर पंजाल था, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ कितनी, तो 11.215 किलोमीटर, ठीक है। इससे पहले ये आपका सबसे लंबा रेलवे सुरंग था पीर पंजाल, लेकिन अब कौन सा हो गया है, T49, जो कि जम्मू कश्मीर बनिहाल कटरा रेलवे मार्ग लाइन पर है, जिसकी टोटल लेंथ 12.758 किलोमीटर है। ये भी मैंने आपको करा दिया है पहले के लेक्चर्स में। तो सबसे जो भारत की पहली रेलवे लाइन सुरंग है उसका क्या नाम है, तो पारसिक रेलवे सुरंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में रेलवे लाइन का मार्ग किलोमीटर सबसे लंबा है, सो विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट रूट किलोमीटर्स ऑफ रेलवे लाइन इन इंडिया। सो ऑब्वियसली जब जो सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला स्टेट है, वो आपका कौन है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पे है, तो सबसे लंबा जो रेलवे मार्ग है, ठीक है, वो भी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कितना है, तो यहाँ पे टोटल 8.8 थाउजेंड, या फिर एग्जैक्ट कह लीजिए तो 8,808 किलोमीटर अभी तक इसका टोटल रूट लेंथ है, राइट, 8,808 किलोमीटर। और सबसे जो लंबा रेलवे जोन है वो भी आपका नॉर्दर्न रेलवे जोन है। तो आप जान सकते हो कि नॉर्दर्न रेलवे जोन में उत्तर प्रदेश के काफ़ी सारे आते हैं यहाँ पे डिविजन्स। सो ये आपका सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क के मामले में, प्लस नॉर्दर्न रेलवे मतलब उत्तरी जो रेलवे है वो आपका सबसे लंबे रेलवे जोन के मामले में भी सबसे आगे है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबा रेलवे मार्ग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली सुपर फास्ट ट्रेन है, सो फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन इन इंडिया इज, तो भारत की सबसे पहली सुपर फास्ट ट्रेन कौन थी, ये आपको मैंने बताया नहीं, बट ये आपकी कौन थी, डेक्कन क्वींस, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, डेक्कन क्वींस, जो इससे पहले मैंने कराया था, ये आपकी सबसे, ये आपकी क्या है, पहली सुपर फास्ट ट्रेन थी, ठीक है, डेक्कन क्वीन। और अगर हम बात कर लें यहाँ पे अगला क्वेश्चन, तो ये आपका है कि कौन दुनिया का सबसे पुराना काम करने वाला स्टीम लोकोमोटिव है, विच इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट वर्किंग स्टीम लोकोमोटिव। सो डेक्कन क्वीन, फेरी क्वीन, महाराजा एक्सप्रेस, या फिर गोल्डन चैरियट, तो ये आपका कौन सा है, फेरी क्वीन, ठीक है। सबसे पुराना काम करने वाला स्टीम लोकोमोटिव ये कौन सा है आपका, फेरी क्वीन। ये दुनिया का सबसे पुराना काम करने वाला लोकोमोटिव है, जो कि अभी भी उपयोग में है। सन 1855 में बने इस लोकोमोटिव को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नियमित सेवा में दुनिया का सबसे पुराना स्टीम लोकोमोटिव के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो कब ये बना था, तो 1855 में ही बन गया था, ठीक है। तो जस्ट 1853 में जब पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट होती है, तो 1853 के बाद 2 साल बाद ही इसका निर्माण हो जाता है, फेरी क्वीन का, जो कि सबसे पुराना काम करने वाली स्टीम लोकोमोटिव है, जो कि अभी भी क्या है, चलन में है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो ये आपका न्यू दिल्ली से रेवाड़ी तक चलती है, ठीक है, रेवाड़ी, तो ये आपका न्यू दिल्ली से रेवाड़ी तक चलती है, जो फेरी क्वीन है और सबसे पुरानी लोकोमोटिव है स्टीम वाली, राइट। तो ये आपके रहे 20 क्वेश्चन, जो कि प्रैक्टिस सेट 11 के हैं, राइट। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जहाँ भी कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ हो तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हो, या कहीं पे इन्फॉर्मेशन गलत हो गई हो तो उसको बता सकते हो, ताकि मैं सुधार सकूँ। तो ये आपके रहे टोटल 11 प्रैक्टिस सेट, राइट। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।